नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसे व्हाट्सएप फीचर जिसे कि आप किसी का मैसेज, पुराना मैसेज डिलीट कर सकते हो, डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। जी हाँ गाइज, अगर वो बंदा, सामने वाला आपका मैसेज देख चुका है और वो मैसेज काफ़ी पुराना भी हो चुका है, तो आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो हमेशा के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गैस, मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जो कि बता रखा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है जिससे कि आपका मैसेज डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो देखिएगा। और चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो गैस, सिंपल से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ और मैसेज को डिलीट करने वाला हूँ मैं। तो देखो गैस, अभी आपने देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पे 29 दिसंबर का है जो मैंने व्हाट्सएप, जो भी मैसेज आप यहाँ पे किसी को भी टेक्स्ट किया हो या फिर डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज कुछ भी भेजा हो, सारे सारे डिलीट होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल से वीडियो को समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेजेस है, फोटोज भी है, और 31 दिसंबर का भी कुछ मैसेजेस है। अब मैं यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो कैसा ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट फॉर मी का ऑप्शन आ रहा है, और ऊपर वाला मैसेज मैं आपको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, और ये भी आ रहा है डिलीट फॉर मी का, डिलीट फॉर एवरी वन का नहीं आ रहा, क्योंकि वो सामने का बंदा मैसेज देख चुका है और काफी दिनों भी हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसको डिलीट कैसे कर सकते हो परमानेंटली, डिलीट फॉर एवरीवन। आपको क्या करना है कि आपको डेट याद कर लेना है कि किस डेट का आपको मैसेज डिलीट करना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 29 दिसंबर है, आपको रिमेम्बर कर लेना, आपको जो भी मैसेज आपको डिलीट करना है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, आपको करना क्या, ध्यान सुनिएगा, जो अधिकतर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको नेट यहाँ पे ऑफ करना है। यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, यहाँ से आप लोग, अगर डेटा आपका ऑन होगा मोबाइल डेटा, तो उसको ऑफ करना है। यहाँ से मैं वाईफाई ऑन ऑफ कर देता हूँ, इससे मेरा डेटा ऑफ हो चुका है। अब वो करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप को हमेशा के लिए, जो फॉर स्टॉप ऑप्शन होता है ना, अनइंस्टॉल नहीं करना है, फॉर स्टॉप। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन फॉर स्टॉप। इससे होता है क्या है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दोगे तो वो प्रोसेस करना बंद कर जाता है, मतलब बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस मैं जाता हूँ फॉर स्टॉप करने के बाद। अब यहाँ पे सिंपल से आपको करना कि आपको डेट चेंज करना, मैंने आपको बताया था डेट रिमेंबर करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको डेट से पहले जाना है। ठीक है, उस डेट से पहले आपको करना है। तो यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम सर्च कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपल से सेटिंग में जाकर सर्च कर सकते हो, डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा, उस पर जाना है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम एक्टिव होगा, मतलब अलाउ होगा, उसको ऑफ करना है। जैसे आप आपको अलाउ करोगे, यहाँ पे सेट डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है। आपको 29 दिसंबर, मतलब मेरा तो मैसेज था 29 दिसंबर था, और उससे मुझे पहले डेट सेट करना है, इसलिए मुझे डिलीट मैसेज करना है 29 दिसंबर का, तो उसे जस्ट मुझे पहले सेव करना है। चलो मैं 25 दिसंबर में सेट कर देता हूँ, और जिससे कि मेरा मैसेज का डेट पीछे चल गया। अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 25 दिसंबर सेट हो चुका है। मैं ऊपर से करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 25 दिसंबर 2021, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ बैक। अब वो करना क्या है, नेट ऑन नहीं करना है अभी भी। अब सिंपल से जाना है और यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करना है। अब देखते हैं कि ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा पासवर्ड था, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। अब इस पे मैं जाता हूँ वापस और अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि वाकई डिलीट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं हेलो को सिलेक्ट करता हूँ, हाई को भी सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। और देखो अब यहाँ पर गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर डिलीट फॉर एवरी वन का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया, इसी बात पर अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हो, मतलब ऐसे ट्रिक्स जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट फॉर एवरीवन ये मैसेज डिलीट हो जाएगा दोनों तरफ से, मेरे तरफ से तो होगा ही होगा, और सामने वाला बंदा जो मैसेज देख चुका है ऑलरेडी, उसके फ़ोन से भी ये मैसेज हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। ठीक है, अब ये रहा फोटो, आप मैंने आपको बताया कि मीडिया फाइल्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर का मैसेज है, उससे पहले डेट मेरा सेट है ऑलरेडी 25 दिसंबर का, तो ऑब्वियसली बात है 31 दिसंबर का मैसेज भी डिलीट होने वाला है। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो देख सकते हो डिलीट फॉर एवरीवन का मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब वो मैसेज, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से आप नेट ऑन कर लो। ठीक है, तो गाइस यहाँ से मैं नेट ऑन कर लेता हूँ अब, और वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ से अब आपका मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ऐसे ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़े को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा ट्रिक्स लगा, और अपने सुझाव देने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।